नमस्कार दोस्तों, जब सारी सब्जियां खाकर हुए हो बोर तो बनाओ ये दही की सब्जी। 5 मिनट में बन जाएगी, जो कि चटपटी तो बनेगी ही, स्वाद में लाजवाब होगी, जिसे कि आप रोटी या चपाती के साथ भी खा सकते हो। तो फिर चले फटाफट बनाना शुरू करें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले एक बाउल में लेना है आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे की पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक पिंच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और लगभग 3 चम्मच पानी डालकर इसे मिला के घोल बनाएंगे। दोस्तों, ये जो मैं आपको रेसिपी बना के दिखा रहा हूँ, इसे आप घर में सब्जी बनाने के लिए, कोई सब्जी ना हो और आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, तो इसे आप लास्ट मिनट में बना के रोटी या चपाती के साथ आराम से खा सकते हो। तो ऐसे घोल बनाने के बाद इसे साइड में करके एक बाउल में लगभग 4 चम्मच दही लेंगे। तो ज़्यादा खट्टा दही ना ले, थोड़ा सा फीका ही दही इस्तेमाल करिए। और दही ज़्यादा गाढ़ा है तो उसमें 1 या 2 चम्मच पानी मिलाकर अच्छे से फेंट लीजिए, यानी कि हमें दही को स्मूथ बनाना है। तो इसे बनाने के लिए मैं जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 2 लोगों के हिसाब से है। आपको कितना बनाना है उस हिसाब से आप क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हो। तो ऐसे फेंट लेने के बाद इसे यहीं पर छोड़ के किसी कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच तेल डालकर गरम करके लेना है। और जैसे ही तेल गरम हो जाए, पहले 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 पिंच हींग जरूर डालिए। अभी डालना है आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा, और राई जीरा चटकने के बाद डालना है फाइनली चॉप किए हुए 4 से 5 लहसुन, और कद्दूकस किया हुआ आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालकर कुछ सेकंड तक भून कर ले। अभी डालना है स्लाइट में कटी हुई 3 हरी मिर्ची, 6 से 7 कड़ी पत्ते, और मीडियम साइज में कटे हुए 2 प्याज डालकर सबको एक साथ भून कर लेना है। दोस्तों, इसमें हमें प्याज को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि प्याज सॉफ्ट होने तक भून कर लेना है। तो फ्लेम को मीडियम रखकर प्याज का कच्चापन निकल जाने तक ही चम्मच चलाइए। और जैसे ही प्याज का कच्चापन निकल जाए, तब जो हमने ड्राई मसालों का घोल बनाया था उसे डालकर 30 से 40 सेकंड तक चम्मच चलाएंगे, ताकि मसालों का स्वाद कच्चा ना लगे। अभी इसमें डालना है जो हमने दही को फेंट कर स्मूथ बनाया था उसे। अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, बस एक अच्छा सा उबाल आने तक बिना रुके लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसे गाढ़ा बनाना है तो आप इसमें रोस्टेड मूँगफली का पाउडर डालिए। मुझे थोड़ा पतला चाहिए था, इसीलिए मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैं चावल के साथ भी खाने वाला हूँ। ये देखो, आप ऐसे उबाल आने के बाद लास्ट में, यानी कि थोड़ा हरा धनिया डालकर थोड़ा चम्मच चला के आप रोटी चपाती के साथ परोसिए। तो घर में कोई सब्जी ना हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसे आप 5 मिनट में लंच डिनर के लिए आराम से बना सकते हो।